हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्यू। आज हमारे साथ है रिसेंटली लॉन्च करी गई ह्यूंडई वेन्यू अपने फेयरी रेड कलर में। ये 1 लीटर टर्बो का टॉप एंड वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके सभी वेरिएंट्स की वीडियोस बहुत ही जल्दी चैनल पे आ रही हैं, तो मेक श्योर करिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात करते हैं क्या कुछ बदल गया है इस ह्यूंडई वेन्यू फेसलिफ्ट के अंदर। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की ये गाड़ी है जो कि कहीं ना कहीं सबसे क्राउडेड सेगमेंट मानी जाती है इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा लाइटिंग सेटअप में चेंज है और प्रोजेक्टर्स के साथ अब LEDs आ चुकी हैं जो कि पहले हैलोजन्स का यूज़ किया जाता था। नीचे आएंगे तो अब फॉग लैंप्स का कोई प्रोविज़न यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पूरा बम्पर रीडिज़ाइन कर दिया गया है और आगे आ जाते हैं ग्रिल की तरफ। तो यहाँ पे आपको पूरा डार्क क्रोम का यूसेज देखने को मिलता है और इसके जो बॉर्डर्स हैं पियानो ब्लैक में फिनिश कर दिए गए हैं। ह्यूंडई का लोगो आपको क्रोम में देखने को मिलता है और हुड सेम रखा गया है। पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और नीचे आ जाते हैं तो आगे आपको यहाँ पे स्लॉटेड ग्रिल देखने को मिलेगी और नीचे मिलेगी एक सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है एक एयर कर्टन। और अब आ जाते हैं साइड लुक की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स नए डिज़ाइन के साथ प्रोवाइडेड हैं। और टायर साइज़ की बात करें 215/60R16 DCT की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ओवरऑल ORBMs की तरफ आ जाते हैं तो टर्न इंडिकेटर्स दे दिए गए और इसके नीचे अब आपको पडल लैम्प का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही ए पिलर्स आपको पियानो ब्लैक में फिनिश देखने को मिलेंगे और इस कलर में आपको डुअल टोन का ऑप्शन भी प्रोवाइडेड है। साथ ही ऊपर आएंगे तो आपको एक सनरूफ देखने को मिलेगी जिसकी इच्छा आजकल सबको रहती है नो मैटर वो कौन सी गाड़ी खरीदे। और रूफ रेल्स प्रोवाइडेड हैं सिल्वर कलर में। बी पिलर पियानो ब्लैक में फिनिश नहीं है बट क्रोम में डोर हैंडल्स रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दे दिया गया है। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो अगेन अलॉयज़ का लुक आपको कैसा लग रहा है ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों आ चुके हैं बैक प्रोफाइल पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़िया चेंजेस पर्सनली मेरे को लग रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। फ्रंट ग्रिल आपको कैसी लगी आप लिख सकते हैं कॉमेंट्स में। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर गाड़ी की हो चुकी है बैटरी डाउन क्योंकि कॉन्टीन्यूस शूट्स यहाँ पे चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं आपको वॉक्सवैगन टाइगन से इंस्पिरेशन लेती हुई ये गाड़ी ज़रूर दिखाई देगी। और यहाँ से शुरू होके और दूसरे एंड तक कॉन्टीन्यूस एक LED लाइट आपको देखने को मिलती है। सेंटर में ह्यूंडई का लोगो, वेन्यू की बैजिंग, नीचे कैमरा और बम्पर अगेन रीडिज़ाइन कर दिया गया नई स्किड प्लेट के साथ। वाइपर, डीफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना भी यहाँ पर दे दिया गया। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करूँ तो 190mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है ये गाड़ी। उसके अलावा यहाँ पे बैजिंग कर दी गई है SX की, रिफ्लेक्टर्स दे दिए गए हैं और रिवर्स लाइट यहाँ पे प्रोवाइडेड है। चलिए अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। अब रिफ्रेश्ड एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर में भी कई सारे अपडेट्स हैं। पहली बात तो अब डुअल टोन फिनिश यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एम्बिएंट लाइट का एहसास आपको देखने को मिलेगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो कुछ इतनी स्टोरेज है और कूल ग्लव बॉक्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके बाद सिल्वर एक्सेंट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे AC वेंट्स के सराउंड में। टच स्क्रीन सिस्टम में कई सारे फीचर्स का एडिशन कर दिया गया। प्लास्टिक मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का और मैनुअल कंट्रोल्स देख के यहाँ बहुत अच्छा लगा। हजार्ड लैम्प स्विच है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, USB सॉकेट, टाइप सी सॉकेट, 12 वोल्ट सॉकेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 7-स्पीड DCT गेयरबॉक्स। उसके अलावा हैंड ब्रेक यहाँ पे दे दी गई है और आर्मरेस्ट के अंदर भी ठीक ठाक स्टोरेज है। उसके अलावा यहाँ पे वायरलेस चार्जर प्रोवाइडेड है। और चलिए अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे एक ग्लास दिया गया है बट लाइट यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। उसके अलावा ड्राइवर साइड अगर देखें तो यहाँ टिकट होल्डर प्रोवाइडेड है। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो डी कट स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है जिसमें टिल्ट एडजस्टमेंट दी गई है, कोई टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। उसके अलावा स्पीडोमीटर पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है और इंस्पायर्ड है किया कैरेंस से। सीट कम्फर्ट कुशनिंग की बात करूँ तो ठीक ठाक कम्फर्ट आ रहा है यहाँ पर।
और सीट फैब्रिक को भी बदल दिया गया है। चलिए अब चलते हैं बैक सीट पे, आ जाते हैं पहले ड्राइवर डोर पे। तो दोस्तों ड्राइवर डोर पे आप देखेंगे कन्वेंशनल सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, चाहे वो पावर विंडो हो, विंडो लॉक हो, गाड़ी लॉक अनलॉक हो या ओवरबीएम्स हो। यहाँ पे लेदर का टच है, सिल्वर कलर में इनसाइड डोर हैंडल, ट्विटर की फिनिश और स्पीकर सेटअप यहाँ पे दे दिया गया है विद बॉटल होल्डर। दोस्तों सेगमेंट में पहली बार आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स देखने को मिल रही हैं जो कि फोर वे एडजस्टेबल हैं कुछ इस तरह से। माफ़ी चाहूँगा अभी बैटरी डाउन है गाड़ी की, बाकी हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे मैनुअल है। चलिए अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो दोस्तों पीछे के डोर पे आ जाते हैं तो अगेन सभी चीज़ें यहाँ पे सिमिलर रखी गई हैं। यहाँ पे भी लेदर का टच आपको देखने को मिल रहा है, पावर विंडो, सिल्वर में डोर हैंडल, स्पीकर्स। लेग रूम की बात करूँ तो ठीक ठाक लेग रूम है, हेड रूम एम्पल दिया गया है और पोस्चर जो सिटिंग का है उसे टू वे एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे एक आर्मरेस्ट प्रोवाइडेड है विद ट्विन कप होल्डर। उसके अलावा एसी वेंट्स दे दिए गए हैं, एयर प्योरीफायर यहाँ से आप देख सकते हैं और नीचे ट्विन यूएसबी सी सॉकेट्स प्रोवाइडेड है। उसके अलावा सीट बैक में पॉकेट्स दे दी गई हैं और रेयर में भी एक केबिन लैंप आपको प्रोवाइडेड है। बाकी दोस्तों बूट इस गाड़ी का अभी एक्सेसिबल नहीं है, कभी और किसी और वीडियो में आपको दिखा दूंगा। बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शंस की, तो तीन इंजन ऑप्शंस के साथ ये गाड़ी आपको प्रोवाइडेड है। एक है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, दूसरा जो आप देख रहे हैं 1 लीटर टर्बो जीडीआई इंजन। इसके साथ आपको ऑप्शन मिलता है एक 6 स्पीड आईएमटी या फिर 7 स्पीड डीसीटी का। वहीं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आपको 5 स्पीड मैनुअल देखने को मिलता है। उसके अलावा एक डीजल इंजन ऑप्शन भी है जो कि है 1.5 लीटर में। इस गाड़ी की प्राइस स्टार्ट होती है 7.53 लाख से। तो दोस्तों देखा आपने एक डिटेल्ड वॉक अराउंड Hyundai Venue के 1 लीटर DCT टॉप एंड वेरिएंट का। होप करता हूँ कुछ क्लैरिटी आपको मिल पाई होगी, कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सभी चीज़ों का आंसर वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।